दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस शाहपुर। सरकारी उपेक्षा से खस्ताहाल हो चुके ग्लास हाउस को नया रूप देकर कैफेटेरिया सहित प्रदर्शनी स्थल बनाने में वन विभाग जुट गया है। यही नहीं, नगर वन योजना के तहत वन भूमि पर हेरिटेज ट्रैक पर रेस्टिंग पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। बता दें, धर्मशाला मैक्लोडगंज मार्ग पर कालापुल में ग्लास हाउस का भवन खस्ताहाल में पहुँच चुका था। अब वन विभाग इसकी दशा सुधार कर इसमें कैफेटेरिया बनाने जा रहा है। साथ ही इसमें विभाग की विभिन्न गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। यही नहीं, वन्य प्राणी संरक्षण और वन विभाग के वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर वन योजना के तहत जैव विविधता पार्क, औषधीय पौधों का भी गार्डन तैयार किया जाएगा, जिसकी फेंसिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। नगर वन योजना के तहत हेरिटेज ट्रैक पर रेस्टिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। नगर वन योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी और 2020 में जून जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, 5 जून 2020 में, तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उन्होंने इस योजना को कुछ चेंजेस के साथ दोबारा लॉन्च किया था, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में 400 नगर वन और 200 नगर वाटिका बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपको जैसे विदित है कि अभी इस साल 8 जुलाई को हमने सेरेमोनियल प्लांटेशंस भी जो धर्मशाला में नगर वन सेंक्शन हुई है उसमें किया गया था। ये इसी योजना के तहत ये हरियाली महोत्सव जो भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा था उसी के ही तहत सेरेमोनियल प्लांटेशन हमने नगर वन धर्मशाला में सेलिब्रेट किया था। जैसा कि नगर वन धर्मशाला की बात करें तो हिस्टोरिकल ट्रैक्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कालापुल से फरसेतगंज के लिए एक ट्रैक है, कालापुल से मैक्लोडगंज के लिए है, कालापुल से एक कैमल ट्रैक है और जो कैमल ट्रैक फिर वापस आपका मैक्लोडगंज को जोड़ता है, तो इनके भी जीर्णोद्धार तथा इनके साथ साथ कुछ रेस्टिंग पॉइंट्स टूरिस्ट जब भी इनका विजिट करें या घूमने जाएं ट्रैक्स पे तो रेस्टिंग पॉइंट्स की भी फैसिलिटी टूरिस्ट के लिए प्रस्तावित है। नगर वन योजना के तहत जो कालापुल में एक ग्लास हाउस है उसमें हम एक इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रस्तावित है, जिसमें वन विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों को दर्शित किया जाएगा तथा उसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए वन विभाग के जो प्रयास हैं उनको सब डिपिक्ट किया जाएगा, ताकि हम टूरिस्ट को और लोकल लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति सजग रहने और उसके कंजर्वेशन के लिए सेंसिटाइज किया जा सके। दूसरा, उसमें एक हम कैफेटेरिया का भी प्रावधान देंगे ताकि थोड़ा सा सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी नगर वन के तहत टूरिस्ट के लिए की जा सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस शाहपुर, एडमिशंस आर नाउ ओपन फॉर बीए, एलएलबी, होटल मैनेजमेंट, बीटेक एंड पॉलिटेक्निक। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9816099552 और 9805508552।